Good morning, guys. How are you all? Fine. चलिए, very good morning all. I hope सारे के सारे आ गए हो. क्लास शुरू करते हैं. हम लोगों का जो चल रहा था वो था जीन एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स, इंड्यूसिबल जीन्स और रिप्रेसिबल जीन्स, ये तीनों जीन्स के बारे में समझा था, बहुत सबको समझाया था. इसके बाद हम लोगों ने इंड्यूसिबल जीन्स और रिप्रेसिबल जीन्स, इन दोनों जीन्स में हम पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल देखे थे. कराए बहुत सबको समझ आता है. पॉजिटिव कंट्रोल जब किसी जीन की वजह से अगर ऑपरॉन का या ट्रांसक्रिप्शन में बोल देती हूँ, अगर किस जीन की वजह से ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन बढ़ रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव कंट्रोल. और अगर किसी जीन की वजह से अगर एक्सप्रेशन रुक रहा है, एक्सप्रेशन बंद हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज द नेगेटिव कंट्रोल. ठीक है ना? तो एक बार हम लोगों ने चीज देख दी, दोनों देखी थी, अपना इंड्यूसिबल सिस्टम और रिप्रेसिबल सिस्टम, दोनों में हमने ये चेक किया. थोड़ा थोड़ा सा हम लोगों को उसमें बात करनी है. एक तो मैंने आपको रफ आइडिया लैंग ओवर ऑन द कॉल दिया था, लेकिन थोड़ा सा इसके डिटेल में आज बात करेंगे. रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन. ओके, ये हम लोगों ने कल देखा था, जिसमें से मैंने आपको बोला था रेगुलेटर जीन क्या कंफर्म करता है, रिप्रेसर. रेगुलेटर जीन को आप R से भी डिनोट कर सकते हैं और I से भी डिनोट कर सकते हैं. ठीक है ना? I से भी इसको डिनोट किया जाता है. रेगुलेटर जीन क्या फॉर्म करेगा? रिप्रेसर. इन द केस ऑफ द इंड्यूसिबल ऑपेरॉन, इन द केस ऑफ द इंड्यूसिबल ऑपेरॉन, द इंड्यूसर इज द लैक्टोज. इंड्यूसर इज लैक्टोज. बेसिकली इट इज नॉट लैक्टोज, इट इज एलोलैक्टोज. अगर मैं इसका सही इंड्यूसर की अगर आपको बात करूं, वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको पूछा जाता है तो आप लैक्टोज कहते हैं. इन द केस ऑफ द ऑप्शनल क्वेश्चंस, अगर जो ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको चार ऑप्शंस दिए जाते हैं, अगर वहां पर एलोलैक्टोज है तो आप एलोलैक्टोज लगाएंगे, वरना आप लैक्टोज लगाते हैं. ठीक है ना? तो जो असली इंड्यूसर होता है इसका, जो रियल इंड्यूसर होता है, वो क्या होता है इसका? एलोलैक्टोज होता है. तो इन द केस ऑफ द इंड्यूसिबल ऑपेरॉन वेयर इंड्यूसर इज अ लैक्टोज, उधर क्या होता है? जो रिप्रेसर होता है बच्चों, ये कैसा है? आपका एक्टिव कंडीशन में है. और इसकी टेंडेंसी क्या होती है? इसकी टेंडेंसी होती है ऑपरेटर से बाइंड करने की टेंडेंसी. अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको समझा देती हूँ, क्योंकि रिप्रेसर, रिप्रेसर इज अ टेट्रामर बच्चों, रिप्रेसर इज अ टेट्रामर. ठीक है? ये टेट्रामर होता है जो बेसिकली किससे जाकर ज्वाइंट हो जाता है? ऑपरेटर से ज्वाइंट हो जाता है. इसकी जो एफिनिटी होती है, इसकी जो एफिनिटी होती है फॉर बोथ ऑपरेटर, ऑपरेटर एंड डीएनए के लिए होती है. इसकी जो एफिनिटी होती है टेट्रामर की, इसकी जो एफिनिटी है बोथ ऑपरेटर और किसके लिए? डीएनए के लिए है. मैं बोल रही हूँ ये क्या है? इसका टेट्रामर है, यानी कि फोर यूनिट, या ये मैं कहती हूँ फोर साइट्स इसमें प्रेजेंट है जिसमें ये बाइंड करता है, जिसमें से इसकी दो साइड से ये किससे बाइंड करता है? ऑपरेटर से बाइंड करता है, और बाकी की दो साइड से ये अपने इंड्यूसर से बाइंड करता है. अगर ऑपरेटर से बाइंड कर रहा है तो इंड्यूसर से नहीं करेगा, और अगर इंड्यूसर से करता है तो ऑपरेटर से बाइंड नहीं करता है. तो रिप्रेसर इज बेसिकली अ टेट्रामर सब यूनिट विच बाइंड विद द ऑपरेटर एंड शो एफिनिटी टुवर्ड्स द ऑपरेटर. ये क्या करता है? ऑपरेटर के लिए एफिनिटी शो करता है. इन द केस ऑफ द एक्टिव कंडीशन वेयर इंड्यूसर इज नॉट प्रेजेंट, देन इट बाइंड विद द ऑपरेटर. ये क्या करेगा? ऑपरेटर के लिए बाइंड करेगा इस तरीके से.
ठीक है ना, ये किसके लिए बाइंड करेगा, ऑपरेटर के लिए बाइंड करेगा और इसको क्या कर देता है, इसको ब्लॉक कर देता है और प्रमोटर पर आने वाले आरएनए पॉलीमरेज का ट्रांसक्रिप्शन या उससे रीड नहीं करने देता है। क्लियर है सबको? ठीक है, तो रिप्रेसर इज अ टेट्रामर। और हम क्या बात कर रहे थे, बेसिकली मैंने आपको बोला था कि ये कब होता है, ये होता है इन द प्रेजेंस, सॉरी इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर और इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। अगर प्रेजेंस होगा इंड्यूसर, इंड्यूसर प्रेजेंट है, तो इस केस में क्या करेगा इंड्यूसर, जो टेट्रामर सब यूनिट हम बोल रहे हैं, जो टेट्रामर है, तो इंड्यूसर किस पर बाइंड कर जाएगा, इसी रिप्रेसर की जो टेट्रामर सब यूनिट है इस पर बाइंड करेगा दो पर, और इसको क्या कर देगा, इसको इनएक्टिव कर देगा। अभी तक जो रिप्रेसर एक्टिव कंडीशन में था, वो रिप्रेसर अब कैसा हो जाएगा बच्चों, इनएक्टिव कंडीशन में आ जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक है, इसको देने वाले कौन थे, इंड्यूसिबल ऑपेरॉन के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ऑपेरॉन के बारे में किसने बात करी है, जेकब एंड मोनड ने। ऑपेरॉन के बारे में किसने बात करेगी बच्चों, जेकब एंड मोनड ने बात करेगी। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या लेग जेड, लेग ए, लेग वाई ए, इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्लियर, कोई डाउट किसी को? नहीं, चलिए पॉइंट है आपका, उसके बारे में बात करते हैं। दैट इज अ कैटाबोलाइट रिप्रेशन, वो नहीं है, तो ये बात आप सबको क्लियर हुई बच्चों, किसी को कोई डाउट? तो जो रिप्रेसर होता है, बेसिकली रिप्रेसर कैसा होता है, रिप्रेसर एक टेट्रामर सब यूनिट होता है जो ऑपरेटर से और आपके इंड्यूसर से, दोनों से बाइंड होने की टेंडेंसी रखता है। सेम विद द प्रमोटर, सेम विद द प्रमोटर, प्रमोटर का, प्रमोटर क्या होता है, प्रमोटर एक डाइमर होता है और जिसकी टेंडेंसी क्या होती है, जिसकी टेंडेंसी होती है टू बाइंड विद द आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो वो प्रमोटर के लिए होता है। अब एक टॉपिक, एक पॉइंट है जिसमें बात करते हैं, कैटाबोलाइट रिप्रेशन। कैटाबोलाइट रिप्रेशन, कैटाबोलाइट रिप्रेशन क्या होता है, कैटाबोलाइट रिप्रेशन होता है कि इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, लैक ऑपेरॉन डिक्रीजेस, या मैं ये कहती हूँ लैक की जगह लैक्टोज ऑपेरॉन, लैक्टोज का फॉर्मेशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों, अच्छा सबसे पहली बात तो इस पॉइंट में जो शायद थोड़ा सा रह गया, मुझे भी याद आया, बात करते हैं दोबारा से इसके बारे में, फिर कैटाबोलाइट डिप्रेशन बात करूंगी। तो ये तो आप सबको समझ आ गया, जेड वाई ए ओ पी आर। ठीक है, स्ट्रक्चर जीन्स की बात करूं तो स्ट्रक्चर जीन्स जो होती हैं, ये मैंने आपको बोला क्या फॉर्म करती हैं, एमआरएनए फॉर्म करती हैं, ट्रांसक्रिप्शन करती हैं, एमआरएनए फॉर्म करती हैं एंड देन उसके बाद क्या करती हैं, पर्टिकुलर एंजाइम का फॉर्मेशन करती हैं। एमआरएनए से क्या करेगा, प्रोटीन फॉर्मेशन, एंड प्रोटीन इज ऑल्सो काइंड ऑफ एन एंजाइम। ठीक है, तो जेड बनाता है बीटा गैलेक्टो साइडेज, Y permease and A transacetylase। ठीक है, क्लियर, Z बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y बनाता है permease and A बनाता है transacetylase। तो इसमें काम क्या है, इन तीनों के क्या क्या काम होते हैं, बेसिकली जो ट्रांस एसिटाइलेज है इसका काम होता है एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करना, Y का काम होता है ये गैलेक्टोज को, गैलेक्टोज को या लैक्टोज के ट्रांसपोर्ट में काम करता है, और ये बीटा आ ये करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ लैक्टोज। ठीक है, एक ट्रांसफर ऑफ
acetyl group, okay, and beta galactosidase convert lactose into galactose plus glucose. गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज, क्लियर? तो हम ये कहते हैं कि हम कह रहे हैं कि जो इंड्यूसर है हमारा, जो लैक्टोज है वो कहाँ से आता है? लैक्टोज है कोई आउटर से तो आएगा नहीं भाई, आपको तो पता है नहीं है कि क्रोमोसोम को या जो इकोलाई है जिसके अंदर हम इसे पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं लैकोपेरोन को, इकोलाई को लैक्टोज की जरूरत है, हम जो लैक्टोज दे रहे हैं इन द आर्टिफिशियल कंडीशन जब हम स्टडी कर रहे हैं तब तो हम लैक्टोज आर्टिफिशियली प्रोवाइड कर सकते हैं बाहर से, पर इन द नेचुरल कंडीशन क्या हम लैक्टोज प्रोवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते है, ठीक है? तो उस केस में क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि जब ये जो ऑपरॉन है ये जब ऑफ रहता है, जब ये बंद रहता है उस कंडीशन में कुछ हद तक, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ हद तक जेड वाई ए जो स्ट्रक्चरल जीन है इनका ट्रांसक्रिप्शन होता है बच्चों। जेड वाई ए जो स्ट्रक्चरल जीन है ये ट्रांसक्रिप्शन करती है और ट्रांसक्रिप्शन करके ये एम आर एन ए फॉर्म कर लेती है जिसमें से कुछ अमाउंट में लैक्टोज का फॉर्मेशन हो जाता है, एंड देन यही लैक्टोज किसके लिए काम करता है, एज अ इंड्यूसर भी लैक्टोज ये काम करता है। क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये एक कंडीशन भी होती है जिसमें ये माना जाता है कि जो लैक्टोज है किसकी तरह काम कर रहा है, एज एन इंड्यूसर की तरह काम कर रहा है, और ये लैक्टोज कहाँ से आता है, इन द केस ऑफ द जीन ऑफ, जब जीन ऑफ है, जब ऑपेरॉन बंद है, इस केस में वो लैक्टोज यही ऑपेरॉन फॉर्म करता है। क्लियर? ठीक है, तो ये एक छोटा सा पॉइंट था जिसमें आपको बताना था कि कौन कौन से तो एंजाइम ये फॉर्म कर रहे हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेस, होमिएज एंड ट्रांसएसिटाइलेज। ये जेड वाई ए यू ही नाम नहीं दे दिया है कि रैंडमली मैंने उठा के कोई भी स्ट्रक्चरल जीन से नाम दे दिया, नहीं, यही नाम है ऑल ओवर द, आपको जितना भी बुक्स आप प्रेफर करेंगे, जितना भी पढ़ा जाएगा तो जेड वाई ए ही है। इसको आप अपने मन से नहीं करना, हमें जेड वाई ए पसंद नहीं आ रहा, हम तो कोई और नाम रख देंगे स्ट्रक्चरल जीन, तो मैंने रैंडम नाम नहीं रखा है, ये स्ट्रक्चरल जीन का नाम है। जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेस बनाएगी, वाई जीन कोमियस बनाएगी, एंड ए ट्रांस एसिटाइलेज का फॉर्मेशन करती है। क्लियर? चलिए, ठीक है, तो ये तो हुई इसकी बात, हम बात कर रहे थे कैटाबोलाइट रिप्रेशन की बात कर रहे थे। कैटाबोलाइट रिप्रेशन में मैंने बात करा था कि इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज लैकोपेरोन का जो फंक्शन है या लैकोपेरोन जो होता है एक्टिव नहीं होता या वो उतना ज्यादा काम नहीं करता और लैक्टोज का फॉर्मेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बेसिकली क्या होता है बच्चों की लैक्टोज के कंपेरिजन में जो इकोलाई होती है इसकी जो टेंडेंसी होती है टूवर्ड्स ग्लूकोज ज्यादा होती है, ठीक है ना? इसकी जो टेंडेंसी है वो क्या है, ग्लूकोज की तरफ ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई वो क्या करता है कि मीडियम से ग्लूकोज लेता है और अपनी सारी जो रिक्वायरमेंट्स है, नीड है, उनको फुलफिल कर लेता है और लैकोपेरोन उसका वर्क नहीं करता, या लैक्टोज जो लैकोपेरोन है जो लैक्टोज के फॉर्मेशन के लिए हो रहा है उसकी उसको जरूरत नहीं पड़ती है। अब बेसिकली इसके लिए लेकर जो उसका, अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूँ तो मैकेनिज्म को लेकर इसमें दो कंपाउंड होते हैं, सी ए एम पी, साइक्लिक एम पी और कैप, ठीक है? ये दो क्या होते हैं, ये दो कंपाउंड होते हैं सी ए एम पी और कैप। तो ये दोनों कंपाउंड्स का क्या फर्क है, एक्चुअली क्या होता है, जो सी ए एम पी है बच्चों, जो सी ए एम पी ये कॉम्प्लेक्स बना के रखते हैं, सबसे पहले तो मैं ये आपको बात कर दूं, ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स बना के रखते हैं सी ए एम पी और कैप। कैप क्या है, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर। कैप की फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म तो यही है, चलिए दिक्कत दे रहा, सी ए एम पी की फुल फॉर्म तो यही है, क्या है, साइक्लिक ए एम पी। सी ए एम पी की फुल फॉर्म क्या है, साइक्लिक ए एम पी, और कैप की फुल फॉर्म क्या है, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, ठीक है? कैप की फुल फॉर्म क्या है, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। तो ये जो दोनों कंपाउंड हैं कैप और कैम, ये दोनों की दोनों क्या करते हैं, दोनों कंपाउंड बनाकर रखते हैं, यानी कि सी ए एम पी कैप, और ये पूरा एक कंपाउंड बनता है। और इसकी बाइंडिंग साइट क्या होती है बच्चों, कैम्प और कैप की बाइंडिंग साइट, ये जो कंपाउंड बनेगा इसकी जो बाइंडिंग साइट होती है, इसकी बाइंडिंग साइट होती है क्या, प्रमोटर रीजन, यानी कि ये दोनों किस पर जाकर बाइंड होते हैं, प्रमोटर पर बाइंड होते हैं, और
ये बनाते हैं सीआरपी, जो साथ में बनता है साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एएमपी रिप्रेसर प्रोटीन। इस सीआरपी को क्या कहते हैं? साइक्लिक एएमपी रिप्रेसर प्रोटीन। तो बेसिकली क्या होता है कि जब ये दोनों साथ में होते हैं, सीआरपी बनाते हैं, तो ये किस पर जाकर बाइंड करते हैं? ये बाइंड करते हैं आपके प्रमोटर पर। और इनका जो इफेक्ट है, यानी कि ये जो सीआरपी बन रहा है, हमने इनको साथ में सीआरपी नाम दिया है, मतलब सीएएमपी और कैप, ये जब दोनों साथ में हैं तब इसको जो नाम दिया है, दैट वाज द सीआरपी एंड दैट वाज द साइक्लिक एएमपी रिप्रेसर प्रोटीन। क्लियर? ये क्या है? साइक्लिक एएमपी रिप्रेसर प्रोटीन। बेसिकली क्या होता है, ये जब दोनों कंपाउंड, बच्चों रिज्वाइन कर लीजिए क्लास,